हेलो फ्रेंड्स, टाइम स्टॉप में केवाईसी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें ताकि आने वाले टाइम पर जब आपका केवाईसी वेरिफिकेशन होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और जैसा कि कुछ यूजर्स का यहां पर केवाईसी कंप्लीट होने के बाद भी उनका केवाईसी कैंसिल हो जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कम्युनिटी की ओर से एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि इंडिया और चाइना में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसमें इंडिया के बारे में मेंशन किया गया था कि जो हमारे आईडी कार्ड में फ़ोटो होता है, जैसे कि आधार कार्ड है, तो वो फ़ोटो ब्लर होने की वजह से या क्लियरिटी न होने की वजह से इन्हें केवाईसी करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो उसका भी सॉल्यूशन इन्होंने निकाला है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पिछले वीडियो में बताया था कि एक यूजर्स रहेंगे आपके, 10 मेंबर्स रहेंगे आपके ही कंट्री के, जो आपकी केवाईसी का प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं ये जो केवाईसी लाइव है क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको फेस एक्शन एग्जांपल में आपको 3 कैटेगरी से यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। 3 कैटेगरी में फर्स्ट जो है आपका टर्म एंड कंडीशन का होगा। टर्म एंड कंडीशन का जो आता है तो आपको एक नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। और जो सेकंड ऑप्शन होगा आपका फेस एक्शन का होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो है कि राइट आई खुला है और लेफ्ट बंद है। आपको अपने मोबाइल को सामने रख के ऐसे फ़ोटो लेना है, जैसे यहाँ पर फ़ोटो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आपका रहेगा जैसे यहाँ पर फेशियल एक्शन का। तो इस कंडीशन में आपको अपना माउथ को एक बार पूरी तरह से ओपन करना है और उसके बाद फिर बंद कर लेना है। ये प्रोसेस 2 बार करना है और 5 सेकेंड तक ये कर लेना है और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो नेक्स्ट का ऑप्शन आपका होगा केवाईसी में आईडी कार्ड, और या आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड भी हो सकता है या पासपोर्ट भी हो सकता है, तो उसका भी हम डेमो देखते हैं। केवाईसी में नेक्स्ट स्टेप होगा आपका आधार कार्ड या जो भी आपका आईडी कार्ड है उसका वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका फ़ोटो लिया जाएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कि अगर आप अपना आधार कार्ड जो है, जो भी आपका आईडी कार्ड है यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड से वेरीफाई करूँगा। तो जो भी है यहाँ पर प्रोसेस, तो आप अपना एक आधार कार्ड ऑलरेडी लेकर रखें और साथ में काफ़ी अच्छी स्पेस पे चले जाएं जहाँ पे लाइट हो। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि कैप्चर करने में क्लियरिटी रहे। तो ये जो आई कार्ड का है या पासपोर्ट का, तो आई कार्ड में मैंने जैसा कि बताया, मैंने आधार कार्ड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। हालांकि ये जो मेंशन था इसके बारे में, मैंने जो मेंशन किया गया है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे अब यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि प्लीज़ टेक अ पिक्चर बाई एलाइनिंग योर आईडी कार्ड विद अपर एंड लोअर एंड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि ये जो पासपोर्ट दिखा रहा है, तो इस टाइप में ही हमें सामने रख लेना है अपने आईडी कार्ड को, और नेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स, यहाँ पर अपर में ये हो गया और आपका लोअर ये ऑप्शन होता है, तो आपको ऐसे करके, हालाँकि यहाँ पर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रही है मुझे फ्रेंड्स, थोड़ा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा क्लियर आनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और क्लियर की अगर बात करें तो क्लियर 100%। थोड़ा टाइम लगे फ्रेंड्स, उसका कोई इश्यू नहीं है, बशर्ते आपका जो केवाईसी प्रोसेस है वो क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्लियरिटी दिख रही है, तो यहाँ पर जैसे ही ये क्लियरिटी आपको दिखे आपको कैच कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया है, कैच हो गया है। अब यहाँ पर सर्वर कैचिंग हो रही है, अब देखते हैं आगे क्या ऑप्शन आता है फ्रेंड्स। ये मैं भी केवाईसी मेरा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं फ्रेंड्स। हालांकि ये आपके लिए मैं इस जो है प्रोसेस को कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, केवाईसी डायरेक्ट का ये जो ऑप्शन आ गया है, केवाईसी डायरेक्ट प्रोसीजर जो है कि डन हो चुका है, और यहाँ पर टेक्निकल दा जो आईडी नाम से है मेरा, और साथ में यहाँ पर नाम आ गया है पंकज कुमार गुप्ता, नेम ईएनजी में है पंकज कुमार गुप्ता, नेशनलिटी इन करके है। इन केस ऑफ
टेम्परिंग और एडिटिंग आईडी कार्ड टू वेरीफाई केवाईसी ऑल राइट विल बी जो है कि REVOK रिवॉक्ड, कह रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है। अब कन्फर्म पर हम क्लिक करते हैं, कन्फर्म पर क्लिक कर दिया तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर केवाईसी का जो प्रोसेस था कंप्लीट हो गया है। तो आपने डेमो देखा और साथ साथ में यहाँ पर जो है ऑप्शन की कम्युनिटी की ओर से एक ऑप्शन आया हुआ था, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी ने क्या यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया है, तो ज्वाइंट चैनल में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कम्युनिटी की ओर से केवाईसी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये यह है कि केवाईसी जो है इंडिया में और चाइना में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि इंडिया में इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है केवाईसी के दौरान, केवाईसी प्रोसेसिंग के दौरान, कि यहाँ पर जो हमारे आईडी कार्ड में फ़ोटो होता है वो ब्लर रहता है, हालांकि क्लियर नहीं होती है। तो इस कंडीशन में जो केवाईसी का प्रोसेस है इंडिया में अभी रोक दिया गया है, और ये केवाईसी का जो प्रोसेस है इसको सॉल्व किया जाएगा और बहुत जल्द किया जाएगा। और यहाँ पर कम्युनिटी ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ये जो प्रोसेस होगा केवाईसी का 18 मार्च तक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवाईसी बहुत इजीली हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा मेरा केवाईसी यहाँ पर, केवाईसी का फ्रेंड्स थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम जो है कि केवाईसी का प्रोसेस था, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, डेमो दिखाने की कोशिश की। तो उसमें अगर आप भी देखें कि उसमें क्या चीज़ मेंशन किया गया है, अगर आपका केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है तो ये वीडियो आप एक बार देख लें, और साथ साथ में आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले अगर रिपीट में करूं कि केवाईसी के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहले आपने देखा कि टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आया हुआ था, और साथ में फिर वहाँ पर आपका फेस था, फेस में जिसमें कि आपका राइट आई को ब्लिंक करना था, यानी कि आँख को एक बंद करना था, एक को खोले रखना था, और सेकंड था आपके माउथ को ओपन करना था और फिर बंद करना था, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस था आपका केवाईसी में आईडी कार्ड का। तो आईडी कार्ड अगर है आपके पास ओके, देन अगर आपके पास पासपोर्ट भी है तो भी आप पासपोर्ट के अकॉर्डिंग केवाईसी कर सकते हैं अगर इंडियन लोग इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, तो आधार कार्ड से कर सकते हैं केवाईसी। और वहाँ पर केवाईसी जब हो तो आप अपना आधार कार्ड अपने सामने रख लें फ्रेंड्स। और इसके साथ में यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कम्युनिटी की ओर से, इसके बारे में भी मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। हाँ, लेकिन अगर ये केवाईसी अगर कम्युनिटी की ओर से नहीं होती है तो यहाँ पर केवाईसी क्राउड के थ्रू आपका केवाईसी होगा। और हालांकि केवाईसी क्राउड क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स ये रहा केवाईसी का प्रोसेस, और बिल्कुल आगे अब क्या प्रोसेस होंगी वॉलेट को लेकर उस पर भी बहुत जल्द अपडेट आने वाला है, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके